राजधानी रांची में 1 करोड़ रुपए की लागत से दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया जा रहा था। पुलिस ने उसे बनने से रोक दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हिंदू आस्था की देवी मां दुर्गा की स्तुति का महापर्व नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। मां दुर्गा के स्वागत के लिए हर तरफ बड़े बड़े आकर्षक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे बनने से रोक दिया। वहीं मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा समिति के लोगों को आश्वस्त कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत इस भव्य पूजा पंडाल को बनने से नहीं रोक सकती। वहीं भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड की सरकार को आस्था से कोई लेना देना नहीं। कैलाशपति मिश्र था, हम कर लिए, तुरंत कर लिए, अभी बोल दिए थे हम यहाँ, अभी कर रहे हैं। हाँ पता पड़ गया, खोल देते हैं। हाँ देखो इनकी नियति है, आचरण है कि आप देखो, इन्होंने नहीं कहा था राम काल्पनिक है, इन्होंने ही कहा था कि भाई राम तो इस कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने ही कहा था ना कि ये सनातनी तो एड्स हैं, कोरोना है, इनके ही लोग ना राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया। गए थे नहीं गए थे राम मंदिर के आमंत्रण? इनको भय हो गया कि राम मंदिर बनेगा तो मेरा वोट बैंक का क्या होगा, विरोध करोगे तो वोट बैंक सुरक्षित होगा, विरोध करोगे तो एकमुश्त वोट पड़े। ये वोट की राजनीति करते हैं, हम आस्था की राजनीति करते हैं। अब यह राम मंदिर तो बन गया है, 70% महा की मूर्ति भी अंदर बन गई, माने मंदिर हो गया है। अब दुनिया की कोई ताकत यहाँ पूजा करने से नहीं रोक सकती है। पूजा तो होगी 2 अक्टूबर को, प्रथम नवरात्र में आयोजक समिति ने जो तय किया है 2 तारीख जो पहला नवरात्र होगा उस दिन माँ के दर्शन के लिए पट खुलेंगे। आज ही प्रशासन की ओर से रोका नहीं गया है एक क्रम, जब हरमो मैदान में 7 लाख रुपए जमा करके आदेश लिया गया तो वहाँ करने से रोक दिया गया। जब यहाँ आए, यहाँ पर भी 9 लाख रुपया भाड़ा दे करके जमीन अलॉट कराया गया है पूजा करने के लिए, फिर यहाँ पर भी रोक दे रहे हो, क्या चाहती है भाई? क्यों रोकना चाह रहे हो भाई? पूजा करने से किसी को क्यों रोक सकते हो भाई? हम तो किसी को पूजा करने से रोकते नहीं है, किसी को इबादत करने से नहीं रोकते हैं, तो आप पूजा करने से रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हिंदू आस्था पर, सनातन आस्था पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।